सो गाइस, मैंने देखा या मेरा नोटिफिकेशन में कितना ज़्यादा अच्छा एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। तो एनिमेशन से भी एनिमेशन नहीं है, एवेंजर की बहुत सारे एनिमेशन है यहाँ पर। सुपरमैन है, एवेंजर वॉर भी काफ़ी सारे गाइस एनिमेशन में लगा सकते हो, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल के लगते हैं। तो आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से डाल सकते हो गाइस। आपके नोटिफिकेशन स्ट्रगल क्या होता है नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ छोटा सा। बेसिकली आपके फ़ोन लॉक रहते हैं उन सारे के सब दूसरा कोई नंबर से यहाँ पर SMS या कॉल आती है उसको नोटिफिकेशन लाइट के थ्रू आप पता चलता है नोटिफिकेशन लाइट के थ्रू। तो गाइस आपके पास कोई से भी फोन है नोटिफिकेशन लाइट नहीं है तो आखिर तक देखना, मैं वही रीजन बता दूंगा कैसे नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड वीडियो लेकर शुरू से देखना है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले छोटा सा बात बताते हैं, देख सकते हो मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन लाइट है। तो अभी जिन सारे फ़ोन लॉन्च होते हैं उन सारे फ़ोन में कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन लाइट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस इसको आखिर तक देखना, तो एवेंजर के साथ कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन लाइट भी अलाउ करने को सीख दूंगा, तो गाइस आखिर तक जरूर देखना। तो गाइस चलिए शुरू करते हो। तो सिंपल से आप वो मेरा फ़ोन ओपन कर दिया, तो सिंपल से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो गाइस प्ले स्टोर में लिंक दे दूँ, प्ले स्टोर का लिंक दे दूंगा, या वीडियो आखिर तक देखना, देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो सिंपल से एप्लीकेशन को मैं सिंपल से ओपन कर दूंगा, तो देखने में काफ़ी सिंपल एंड ईजी एप्लीकेशन है। तो सिंपल से एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से देखने में मिलता है, ओपन करने के साथ साथ कुछ अलाउ करना पड़ता है हर एप्लीकेशन की तरह। तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हो तो आरओ का सीन है, वहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद इन सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। तो कुछ यहाँ पर देख सकते हो तीनों परमिशन को अलाउ करना पड़ता है, तो अब जाके एप्लीकेशन काम करता है। तो सिंपल से तरीके से कौन यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस देना है। तो हर एप्लीकेशन की तरह ईजिली आप कर पाओगे इन सारे। तो सिंपल से उसके बाद आपको फोन वार्निंग देगा कि आप अलाउ करना चाहते हो या नहीं। तो सिंपल से 3 सेकंड बाद आप अलाउ कर देना, उसके बाद नेक्स्ट में अलाउ कर देना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, उसके बाद इसको भी अलाउ कर देना, उसके बाद थर्ड में जाना है। थर्ड में जाने के बाद सिंपल से इसको भी अलाउ कर देना। तो मैं वीडियो को कट कर देता हूँ, यहाँ पर ढूंढने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि काफ़ी ये हुई एप्लीकेशन है। तो सिंपल से उसके बाद एरो साइड पर क्लिक कर देना, उसके बाद टिक मार देना। तो जैसे टिक मारोगे गाइस, उसके बाद आपको सिंपल से फ़ोन में जितना सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल है उन सारे एप्लीकेशन यहाँ पर शो कर देगा। तो बेसिकली आपको उन एप्लीकेशन चूज़ कर लेना जिस एप्लीकेशन नोटिफिकेशन में उस तरीके से आइकॉन शो करना चाहते हो। तो बेसिकली मैं कौन सा एप्लीकेशन डालूँ, कुछ भी एप्लीकेशन आप डाल सकते हो जिस जिस एप्लीकेशन में आप नोटिफिकेशन में कुछ इस तरीके से एवेंजर की तरह देखना चाहते हो। तो आप सारे एप्लीकेशन भी अलाउ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं सिंपल से कौन सा एप्लीकेशन को चूज़ कर लेता हूँ, कौन सा एप्लीकेशन डालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। तो मैं व्हाट्सएप ही क्यों ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद और नहीं डालूंगा। तो सिंपल से उसके बाद नेक्स्ट में जाना है, उसके बाद आपके फोन में जितना सारा सिस्टम एप्लीकेशन है उन सारे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर सिंपल से इनबिल एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है, उसके बाद यहाँ पर सिंपल से जिन एप्लीकेशन को अलाउ किया वही एप्लीकेशन सिंपल से इस वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। तो इस एप्लीकेशन में जो कोई बंदा SMS करेगा तो मेरे फोन में कुछ एवेंजर के आइकॉन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको छोटा सा ऐड देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल से यहाँ पर फ्री एप्लीकेशन है, ऐड तो देखना ही पड़ेगा। तो गाइस तो सिंपल से ऐड देखने के बाद आपको सिंपल से थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद इसको बंद रहेगा, इसको ऑफ ऑन कर देना। उसके बाद आपको सिंपल से थोड़ा सा नीचे आने के बाद काफ़ी सारा ऑप्शन देने के लिए मिलेगा गाइस। यहाँ पर इनबिल काफ़ी सारा फीचर मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हो फी एनेबल एड बॉडी और भी काफ़ी सारा गाइस। यहाँ पर देख सकते हो डिजेबल टू यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो क्या साइलेंट मोड में रखना चाहते हो या इसको ऑन भी ऑफ भी कर सकते हो। तो बेसिकली और भी काफ़ी सारा यहाँ पर देख सकते हो, तो और भी का सॉरी गाइस का ऑफर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो मिस कॉल नोटिफिकेशन, तो बेसिकली मिस कॉल कोई सा भी बंदा करता है तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन देखने चाह रहे हैं। तो मैं सिंपल से ऑन कर दूंगा, इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। तो उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन भी लगा सकते हो, तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सो या चार्जिंग एनिमेशन में थोड़ा सा ऐड देखना पड़ेगा, तो ऐड नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, तो आप सिंपल से आगे बढ़ जाना। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारा फीचर मिलता है गाइस, देख कर भाई बोर हो जाओगे। तो सिंपल से यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर सिंपल से LED सेव पर क्लिक कर देना। नीचे साइड में देख सकते हो LED सेव करके ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो LED सेव पर क्लिक कर देना। सो गाइस LED सेव पर जैसे क्लिक करोगे आपके काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा गाइस। कोई सा भी एनिमेशन या स्टिकर बोल सकते हो, लगा सकते हो, एवेंजर हो, आयरन मैन हो, सुपरमैन हो, और भी काफ़ी सारा एप्पल का भी लोगो लगा सकते हो गाइस, एंड्रॉइड का लोगो लगा सकते हो। आपको जिन लोगों को पसंद है वही लोगों पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ये गाइस ये फ्री एप्लीकेशन नहीं है गाइस, इसको पैसे मारना पड़ता है। तो गाइस फ्री में दिखा देती हूँ, तो सिंपल से फ्री में करने के लिए नीचे मोड में क्लिक कर देना। तो मोड में क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से बोलेगा प्राइम
लेने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो प्राइम मेंबर सिम लेना पड़ता है तब लेकर होगा। तो नीचे साइड में यहाँ पर देख सकते हो वाज ऐड करके एक ऑप्शन देंगे, सॉरी गाइस कहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर सिम्पली से नीचे साइड में यहाँ पर देख सकते हो वाज ऐड करके ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर क्लिक कर देना। तो जैसे वाज ऐड पर क्लिक करोगे गाइस, उसके बाद आपकी फ़ोन का यहाँ पर बेसिकली एक ऐड देगा, ऐड देगा। उसके बाद आपकी जो प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ता है उसको ना ने कर भी उस तरीके से एनिमेशन आप डाल सकते हो गाइस। तो सिंपली से मैं वीडियो को काट कर देता हूँ, तो मेरे ये वाच कर लिया। तो सिंपली से मैं कोई से भी एवेंजर का लोगो लगा लेता हूँ, तो सिंपली से एवेंजर का लोगो लगा दिया यहाँ पर। तो सिंपली से लगाने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर बैक आना है। उसके बाद आपको एलईडी यहाँ पर देख सकते हो साइज को आप कैसे रहना चाहते हो, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी छोटा देखने के लिए मिलता है। तो इसको काफ़ी सॉरी गाइस कवर किया, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी छोटा देखने के लिए मिलता है। इसका शेप और भी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए, बड़ा साइज करोगे तो और भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर सिंपली से आप 90 से 100 तक रख सकते हो, देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का। तो मैं सिंपली से 100 ही रखूँगा। तो सिंपली से 100 रखने के बाद आपको सिंपली से ओके कर देना है। तो उसके बाद आपको सेव पे यहाँ पर देख सकते हो सेव पर क्लिक कर देना। जैसे सेव करके उसके बाद आपकी यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली साइड पे ही कैसे कौन सा साइड में रखना चाहते हो, तो सिंपली से यहाँ पर वही साइड आप सिलेक्ट कर सकते हो, इधर उधर कहाँ पर भी आप जहाँ पर नोटिफिकेशन रखना चाहते हो। तो वहाँ पर सिंपली से क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से सेव पर क्लिक कर देना। तो जैसे सेव करोगे तो वही कोन में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नीचे टेस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली टेस्ट कैसा नोटिफिकेशन जब आएगा कैसा देखना चाहिए, तो आप आगे से टेस्ट कर सकते हो। तो सिंपली से वहाँ पर टेस्ट पर क्लिक कर देना। जैसे टेस्ट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन ले कैसा रहना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा गजब का लगती है गाइस। तो यहाँ पर सिंपली से देखने के लिए मिलता है, तो कुछ इस तरीके से देखना। मैं दूसरा फ़ोन में SMS करने की कोशिश करूँगा तो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं सिंपली से दूसरा फ़ोन से SMS कर लेता हूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन कर लिया। तो सिंपली से वो व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद मैं दूसरा फ़ोन से दिखा रही हूँ कितना कमाल की देखने के लिए मिलता है। तो गाइस और कोई सेटिंग करने का जरूरत नहीं, सारे को यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो मैं सिंपली से दूसरा फ़ोन से SMS करके दिखा दे। तो यहाँ पर देख सकते हो दूसरा फ़ोन से मैं जॉब SMS किया, कुछ इस तरह से आया एनिमेशन देखने के लिए मिलता है गाइस। तो यहाँ पर साइड में आने हो तो गाइस देख सकते हो तो कितना गजब का देखने के लिए मिलता है गाइस। कोई सही बांधे के सामने कुछ इस तरह से करोगे वो भाई वाले का भाई कैसे किया। तो गाइस इस वीडियो सबके साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि उन सारे बांधे के लिए इस तरह से करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो गाइस मैं पहले बताया था मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन लाइट है, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन लाइट ऑन कैसे कर सकते हो, सेव डॉट नॉच सिंपल से गाइस। तो उसके करने के लिए सिंपल से एप्लीकेशन ओपन कर लेना। उसके बाद आपको सिंपल से LED सेव पर क्लिक कर देना। यहाँ पर देख सकते हो LED सेव पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कोई से भी स्टिकर लेने का जरूरत नहीं, जो डिफॉल्ट मिलता है तो बेसिकली वही डिफॉल्ट को रखना है। तो डिफॉल्ट को रखना है, तो सिंपल से डिफॉल्ट रखने के बाद आपको बैक कर देना। उसके बाद LED साइज पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से इसको सिंपली से 30 टक रखना है बेसिकली। तो मेरे पास 100 देख सकते हो, मैं सिंपली से 30 कर दूंगा। तो बेसिकली छोटा होगा तो रीन बिल नोटिफिकेशन जैसे देखना चाहिए। तो सिंपली से यहाँ पर जहाँ पर आप सेव में रखना चाहते हो बेसिकली नोटिफिकेशन इस कॉर्नर में रहती है, तो सिंपली से वहाँ पर रख दूंगा मैं सिंपली से तरीके से। तो सिंपली से यहाँ पर रखने के बाद आपको सिंपली से सेव पर क्लिक कर देना। तो उसके बाद आपको देख सकते हो नीचे साइड में सेव का ऑप्शन नहीं मिलता, तो बेसिकली सेव पर क्लिक कर देना। जैसे सेव करोगे गाइस उसके बाद आपको ये ऐड देखना पड़ेगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो सिंपली से ऐड को देख लेना, तो मैं सिंपली से ऐड देख लिया, उसके बाद सेव कर दिया। उसके बाद आप इजीली सेव कर जब कोई बंदा SMS करेगा कुछ उस तरह से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता। सो गाइस आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आई, जोर से लगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में देखने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।